भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता बंधु मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ता और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं इस शहर में बाजार नहीं पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत हर सन में भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ और अस्सी हराओ भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे आज सरकार के खिलाफ और जो किसान खड़ा है किसानों की ताकत से भगा करके क्लिकर 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 एक जगह एक जगह किसानों की जान चली गई। आज इस किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले आप क्या बोलना चाहोगे ओए इन्होंने मार के लगाया हम बोलना मैं के लगेगा मैं दे दूंगा अरे यार हेलो 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 ओ बेंचो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते तुम्हें नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम कुछ लोगों को लाभ
मुसलमान सिख ईसाई कितने हैं, जैन कितने हैं,
आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं, आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। तो सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण करते हैं, मगर लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। करंट सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। ये न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी की लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको बधाई देता हूँ। और हम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।